राज्यसभा के नवनियुक्त सांसद कृष्णपाल पवार और कार्तिक शर्मा ने राज्यसभा में आज शपथ ले ली। संसद में सभापति वेंकैया नायडू ने नवनियुक्त सांसदों को शपथ दिलाई। कृष्णपाल पवार और कार्तिक शर्मा हरियाणा से जीतकर राज्यसभा सांसद बने। कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उन्होंने किया हुआ है और राजनीति के इस मैदान में हरियाणा से राज्यसभा सांसद के तौर पर आज से उनकी पारी शुरू हुई शपथ ग्रहण करने के बाद। और जिस वक्त राज्यसभा इलेक्शन चल भी रहा था उस वक्त भी उनके जरिए कहा गया था कि जब मैं जीत कर अगर आता हूं तो हरियाणा के लोगों की समस्याएं उनके मुद्दे मैं सदन में उठाऊंगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि जैसे मैं अब तक बिना किसी पद पर रहते हुए भी लोगों के लिए विकास और कल्याण के काम करता रहा ऐसा आगे भी करूंगा। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब राज्यसभा में नव निर्वाचित सांसद कार्तिकेय शर्मा के जरिए शपथ ली गई। जानकारियां आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पिता विनोद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट का की पढ़ाई की हुई है। कार्तिक शर्मा ने एक बड़े भारतीय उद्यमी के तौर पर हैं और आईटीवी के फाउंडर हैं। राजनीति के इस मैदान में जो कदम उन्होंने रखा है वो आज शपथ ग्रहण के साथ शुरू हो गया है और अब उनका जैसा कहना है हरियाणा के उन मुद्दों को जो जरूरी हैं, जो जनता के हितों के हैं, उसे उच्च सदन यानी राज्यसभा में वो उठाएंगे। अब तक के सफर में लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए, खासतौर से कोविड काल में लोगों तक हेल्प पहुंचाने के लिए, चाहे वो राशन हो, जरूरी दवाइयां हो या फिर बाकी जरूरी सामान हो, घर घर तक, खासतौर से गरीब तबके तक पहुंचाने का काम आईटीवी नेटवर्क के जरिए किया है और पहले से समाज कल्याण का काम करते रहे हैं। कह रहे हैं कि अब ये जब पद मिला है तो हरियाणा के लिए आवाज सदन में उठाऊंगा। जो भी जरूरी मसले हैं, खासतौर से युवाओं पर फोकस्ड रहते हुए जो जरूरी मसले हैं उन पर बात होगी। कृष्णलाल पवार ने आज शपथ ली, कार्तिक शर्मा ने आज शपथ ली। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उप सभापति के बुलाने के बाद, वेंकैया नायडू के बुलाने के बाद शपथ लेने के लिए एक एक क्रम में दोनों ही सांसद आगे आए और अपनी शपथ ग्रहण पूरी की। ऐसे में आज का दिन खास है और कह सकते हैं हम कि उच्च सदन में शपथ लेने के बाद हरियाणा के लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हरियाणा के लोग भी बधाई दे रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क भी इन तस्वीरों को देख रहा था और बधाइयां दे रहा था। श्री कार्तिक शर्मा, मैं कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।